हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्योति आर्टवर्क्स में। फ्रेंड्स, आज हम शर्ट कवर बनाएंगे। बहुत सारे शर्ट इसमें सेट हो जाएंगे। मैंने इसे बनाने के लिए पैंट पीस का यूज़ किया है और ऊपर से मैंने पुराना शर्ट की कॉलर लगाई है। एक पॉकेट बनाया है, आप इस पॉकेट में हैंकी रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। 13x40 का एक क्विल्टेड पीस लिया है मैंने, 13x40। इसे मैंने फोम लगा के क्विल्ट कर लिया है। एक पार्ट हो गया 6.5x20, 6.5x20 के दो पार्ट। ये भी क्विल्टेड है। इसे भी मैंने फोम लगा के क्विल्ट कर लिया है। प्लास्टिक लिया है मैंने 6.5x8 इंच का, 6.5x8 इंच, एक ही पार्ट है। जीप ली है मैंने 48 इंच की। दो रनर और पाइपिंग के लिए स्ट्रिप्स की विड्थ ली है मैंने 1.5 इंच। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। प्लास्टिक वाला पार्ट हम इस पार्ट से स्टिच कर लेंगे। सीधी सिलाई करनी है, फिर इसे दाब सिलाई दे देनी है। सीधी सिलाई करके दाब सिलाई दे देनी है। वैसे ही दूसरा पार्ट स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को पहले प्लास्टिक स्टिच कर लेते हैं, फिर बाद में जिप स्टिच करेंगे। सीधे पार्ट पे उल्टी जिप रख के जिप भी स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड से रनर डाल लेंगे। एक इस साइड से डालना है और एक इधर की साइड से। दोनों रनर लगा लेते हैं। मैंने प्लास्टिक लगा के जिप स्टिच कर ली है और दोनों रनर लगा लिए। दो रनर मैंने लगा लिए हैं, इसी साइड में रखते हैं। मेन पार्ट पे आते हैं। इसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। दोनों साइड से मैंने सेंटर निकाल लिया। जिप का पार्ट लेते हैं और इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करके निशान लगा लेते हैं। वैसे ही इस साइड भी इक्वल करके निशान लगा लेना है। इस साइड लाइन खींच लेते हैं और इसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है। चौदह का 7 इंच हो गया, मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। मैंने पुराने शर्ट लिया है, आप देख सकते हैं फटा हुआ शर्ट है। इसका मैं आज यूज कर लूँगी। नीचे से पूरी पट्टी कट कर लेनी है। पूरी पट्टी हम कटिंग कर लेंगे
कॉलर से लेके यहाँ तक। जिधर मैंने लाइन खींची है उधर हम कॉलर सेट कर लेंगे। बटन लगा लेते हैं। इसे हमें अंदर की तरह मोड़ लेना है। जितनी हमें कॉलर की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही लेंगे। यहाँ तक हमारा जिप का पार्ट आएगा। इसलिए मैंने ये लाइन खींच ली है। इसका सेंटर निकाल लेते हैं कॉलर का भी। करीब आधा इंच नीचे मार्किंग कर लेते हैं फिर हम कॉलर लगाएंगे। बराबर कर लेंगे। हमें सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही कॉलर लगाना है। हम पिन लगा लेते हैं। हम इतना ही पार्ट लेंगे बाकी का हम कटिंग कर लेते हैं। कॉलर ऊपर उठा लेंगे। हमें एक ही पार्ट पे सिलाई लगानी है। नीचे से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और दोनों साइड से हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। मैंने नीचे से पूरी स्टिच कर ली, पूरी गोलाई में स्टिच कर ली और स्ट्रिप को भी नीचे से मोड़ लिया है। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा है, इधर हमारा जिप का पार्ट आएगा।
दोनों साइड को हम पिन लगा के यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉलर को दबा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेनी है, यहाँ तक। मैंने पॉकेट निकाल लिया है, पॉकेट को भी सेट करके हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। मैंने कॉलर स्टिच कर लिया और पॉकेट भी स्टिच कर लिया। आप इसमें हैंकरचिप रख सकते हैं। अब हमें आगे दोनों का सेंटर निकाल लेना है। दोनों साइड से सेंटर पहले से ही निकाला था मैंने, यहाँ का भी सेंटर निकाल लेना है। नीचे वाला पार्ट का भी सेंटर निकाल लेते हैं। और जो मैंने प्लास्टिक लगा के स्ट्रिप तैयार की है उसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। मैंने इस वाला प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट लगाया है, ये आपको टेलरिंग शॉप में आसानी से मिल जाएगा। नीचे से मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब जीप वाला पार्ट ऊपर रखना है और सेंटर से सेंटर में लाके पिनअप कर लेना है। पहले यहाँ हमारा नीचे वाला, यहाँ हमारा सेंटर आएगा, सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट हम बाद में कटिंग कर लेंगे। हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा तो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, इस पर पहले इधर इधर तक सिलाई करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी यहाँ से स्टिच कर लेना है। पहले एक पार्ट स्टिच कर लेते हैं फिर बाद में दूसरा पार्ट स्टिच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिला के पिनअप कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेंटर में कट लगाए हैं तो कट के निशान से बराबर सेंटर आना चाहिए। आप देख सकते हैं इतना हमारा थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है। हम इधर कट लगा के यहाँ से सेंटर मिला के स्टिच कर लेंगे। पूरे स्क्वायर में हमें स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से हम स्टिच कर लेते हैं फिर बाद में ऊपर से पाइपिंग करके कवर कर देंगे। मैंने जिप का पार्ट पूरा स्टिच कर लिया, चारों साइड से मैंने पूरा स्टिच कर लिया है।
एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था। इसे मैंने पैंट पीस से बनाया है, मेरे पास पैंट पीस बचा हुआ था उसका मैंने यूज़ कर लिया। आप कोई भी फैब्रिक या कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। ऊपर के धागे कट कर लेते हैं। आप पाइपिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहले एक साइड से लगाते जाएंगे। एक साइड से लगाने के बाद हम इस तरह से पट्टी मोड़ देंगे। पूरे स्क्वायर शेप में पाइपिंग करके कवर कर देना है। आज का शर्ट बैग रेडी हो गया, रेडी टू यूज। बाहर मैंने प्लास्टिक लगाया है, आपको कौन सा शर्ट कहाँ पे रखा है ये बाहर से ही दिख जाएगा। ऊपर से मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। ऊपर मैंने पुराने शर्ट का कॉलर यूज किया है। इधर एक कार्डबोर्ड रखेंगे। बहुत सारे शर्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप साथ में भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारे शर्ट इसमें स्टोर हो गए। पॉकेट में आप हैंकी रख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो।